हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कुछ हमने क्वेश्चन की स्टडी की है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की ही स्टडी करेंगे ताकि यहाँ पर आपको डीप नॉलेज हो सके। जब आपके अंदर डीप नॉलेज होगी तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू पावर एन बाई 1 - x (dx)। यहाँ पे अभी जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको लगेगा टाइम, बट यदि आप यहाँ पे टाइम देते हो तो एग्ज़ाम के अंदर आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और वहाँ पे जो है आपको किसी भी तरीके का प्रेशर भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्या किया, आपने माइंड में बिल्कुल शार्प तरीके से स्टडी कर लिया है। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे जो है, जैसे आप छोटी क्लास में जब थे तो उस टाइप के क्वेश्चनों को यदि आप इस टाइम पे देखोगे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको लगेगा हाँ, हमसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। सिमिलरली आप जब इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व करके रखे रहेंगे और इसको जो है डेली बेसिस पे रिवाइज यदि करते रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपके जो नंबर है 4.75 मार्क बिल्कुल फ्री के नंबर है, और यही इतने मार्क जो है, छोटे छोटे जो नंबर होते हैं यही हमारे क्या है, JRF के रैंक को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो हम पार्ट ए से गेन करें चाहे वो हम अपने सब्जेक्ट वेव्स पे करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यदि सब्जेक्ट वेव्स को जो है हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हमें पार्ट बी का भी आएगा क्वेश्चन समझ में, पार्ट सी का भी आएगा, और दोनों हमारे सिलेबस से रहेंगे। और पार्ट ए का क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, बट इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी टाइम लगता है। आपको मिलेंगे मार्क कितने, 2 मार्क मिलेंगे, बट यहाँ पे यदि आप पार्ट बी के ऊपर फोकस करते हो या पार्ट सी के ऊपर एक आधे दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो वहाँ से यदि आपने पार्ट सी के 2 क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये आपको जो है 9.50 मार्क दे देता है। और वहाँ पे भी आपने पार्ट ए के ऊपर भी टाइम तो स्पेंड किया, बट मान लीजिए हो सकता है आपका रॉन्ग हो गया तो क्या करेंगे आप। ठीक है, इसलिए जो है सोच समझ के करना होता है, कहीं किसी का भी कहीं से भी लक लग सकता है। ठीक है, चाहे वो पार्ट बी से लगे, पार्ट ए से लगे या फिर वो पार्ट सी से लगे, वो अपना माइंड में सेट करके चलता है कि जब हम किसी भी जगह पे फंसेंगे तो हम इस पार्ट पे जाएंगे, चाहे वो पार्ट बी हो चाहे वो पार्ट सी हो, और वो कुछ ना कुछ अपने माइंड में सेट करके रखता है कि जब हमें क्वेश्चन जो है सोल्व हमने किया एग्जाम के अंदर और वहाँ पे यदि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हम इस सेक्शन में जाएंगे। यदि हमारा नंबर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमारी कट ऑफ से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो हम इस सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पार्ट सी को यदि आप करोगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग के बिल्कुल ना के बराबर ठीक होंगे, तो ठीक होंगे आपके क्वेश्चन, रॉन्ग होंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं देनी होगी, यहाँ से आपके नेगेटिव मार्किंग भी तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टाइम तो आपका बिल्कुल भी नहीं लेंगे ये। ओके, यहाँ पे आइए, इसको क्या करना है, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू पावर एन बाई 1 - x। अब ये जो हमें फंक्शन है इसके ऊपर डिस्कंटिन्यूटी की यदि हम बात करें तो 0 से डिस्कंटिन्यूटी है नहीं, डिस्कंटिन्यूटी इसको है किससे, अपर लिमिट से। क्या है, अपर लिमिट से इसको डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें जो है लिमिट x टेंड्स टू 1+, मतलब इसके राइट एंड पॉइंट पे लिमिट देखनी है। तो ये हम कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, fxy(gx) देखें, क्या है, fxy(gx), ठीक है, और यहाँ पे f(x)/g(x), इसकी यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1+ fx की वैल्यू टोटल, ये x^n/1 - x और इनटू gx की वैल्यू हम क्या लेट कर लेते हैं, gx को मान लीजिए हमने लेट किया 1 - x, क्योंकि यहाँ पे हमें रिजल्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 - x, और इसको जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 - x,
और ये क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x रेज टू पावर n, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और x किससे रिप्लेस होगा 1 प्लस h से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h रेज टू पावर n, ठीक है ओके। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 करेंगे तो 1 की पावर n होगी, दैट मीन्स ये हमें आंसर दे देगा 1। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स, इसका जो आंसर है वो हमें क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर मिल गया। क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर मिल गया। अब नॉन जीरो फाइनाइट आंसर मिलेगा तुरंत हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स बोथ क्या करेंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे। तो इसका जो है जी एक्स का नेचर यदि हम चेक करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 बाई 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1 इंटू डी एक्स, ये हमारा जी एक्स है और लिमिट के फॉर्म से हम कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व, तो यहाँ पे ये रहेगा और यहाँ पे पावर 1 है, ये क्या करेगा कन्वर्ज, इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन 1, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, लेस देन 1, क्या जो 1 जो कॉन्स्टेंट नंबर है, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर अपने आप से लेस देन नहीं हो सकता, ठीक है, दिस इज रोंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रोंग है। यदि कोई ये कहे 2 लेस देन 2, जी नहीं, 2 आपका 2 से इक्वल नहीं है, 2 इक्वल्स टू 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, ठीक है, 1 लेस देन 1 नहीं है, इसका मतलब जो है ये हमारा क्या करेगा, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्ज नहीं करता मतलब ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, जब जी हमारा क्या कर रहा है, डाइवर्ज, तो एफ भी हमारा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्या है, एफ भी हमारा डाइवर्ज करेगा, क्योंकि हमने जो है कंपैरिजन टेस्ट से सीखा कि बोथ के बोथ क्या करेंगे, कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करेंगे, ठीक है, तो एक कर गया कन्वर्ज तो दूसरा भी करेगा कन्वर्ज, बट यहाँ पे किया क्या है, डाइवर्ज, तो जो यहाँ पे होगा गिवन वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, मतलब ये भी क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे 1 माइनस एक्स था, अब की बार क्या हो चुका है, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स हो चुका है, क्या है, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स हो चुका है। अब यहाँ पे जो है इसको प्रॉब्लम क्या, जीरो से है, नहीं, क्या इसको 1 से प्रॉब्लम है, जी नहीं, मतलब यहाँ पे इसको यदि हम डिनोमिनेटर में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, माइनस का 1 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे और ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फंक्शन तो ये है एक्स की पावर एन बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, और जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 0 टू 1 एक्स की पावर एन बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 इंटू डी एक्स है, ओके, ये फंक्शन रहा। अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, क्या है यहाँ पे देखिए, हम करते हैं क्या, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो इसको हम नीचे लेके आते हैं, दैट मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस एन इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको प्रॉब्लम किससे आएगी, लोअर लिमिट से, मतलब इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है, एट द पॉइंट जीरो पे, इनफाइनाइट में नहीं डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको देखिए, यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स है इसको हम लेट कर लेते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस एन, और जो जी एक्स को हम लेट कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं 1 बाई एक्स रेज टू पावर माइनस एन। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स, इसका जो आंसर है ये हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू ये है, जी एक्स की ये है, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स करना होगा, क्योंकि बाई में है तो इसको प्रोडक्ट में कर देना होगा, इसको रेसिप्रोकल करते हुए, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस एन इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस एन, ये हो जाएगा कैंसल आउट और ये मिलेगा ये आंसर। और ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे जो एक्स है वो किससे रिप्लेस होगा, 0 प्लस एच, दैट मीन्स एच से, तो 1 बाई 1 प्लस एच, और एच टेंस टू 0 आप करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, h टेंस टू 0 पुट करने से आंसर 1, जो कि क्या आ रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर दे रहा है, क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर दे रहा है। तो जो एफ एक्स और जी एक्स होगा बोथ के बोथ क्या करेंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। अब यहाँ पे जो जी एक्स है इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 बाई एक्स रेज टू पावर माइनस एन इंटू डी एक्स, और इसको प्रॉब्लम क्या है, लोअर एंड पॉइंट से, तो यहाँ पे लोअर एंड पॉइंट से इसको प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगी, जब यहाँ पे माइनस एन लेस देन 1 होगा तो करेगी क्या, कन्वर्ज, इसका मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो एन जो है क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, माइनस का 1, जब एन माइनस 1 से क्या होगा, बड़ा होगा,
तो ये जो हमारा जी एक्स होगा ये करेगा कन्वर्ज, जब ये करेगा कन्वर्ज तो ओरिजिनल को भी क्या करना होगा, कन्वर्ज हमारे किससे, लिमिट फॉर्म में, जो कंपैरिजन टेस्ट सेकंड बताया गया है लिमिट फॉर्म की, उसको जो है हमें यहाँ पे यूज किया है, और यूज करने के बाद जी एक्स हमारा कर रहा है कन्वर्ज, तो एफ एक्स भी हमारा क्या करेगा, ये भी हमारा करेगा कन्वर्ज। अब किस पे कन्वर्ज करेगा, बात ये है जब एन जो है ग्रेटर देन माइनस वन रहेगा, जब ये हमारा माइनस वन से भी बड़ा आंसर देगा, मतलब जैसे कि माइनस वन से बड़ा जीरो हो जाए, टू हो जाए, वन हो जाए, थ्री हो जाए, फोर हो जाए, फाइव हो जाए, तब भी ये क्या करता रहेगा, कन्वर्ज करता रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो भी हमने रिजल्ट करवाया था जस्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या है, जस्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आपका उसी के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, देखिए समझते हैं और इसको डायरेक्ट भी करते हैं और इसको जो है सिंपलीफाई भी करके देखते हैं। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू है, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन को देखते के साथ आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को करना है सॉल्व। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है ये चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है, बट आपको पेन तो चलाना होगा। इंटीग्रेशन जीरो टू वन साइन एक्स अपोन एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू इंटू डी एक्स, और ये जो है अभी आपने सीखा कि 0 to π/2 पे जो साइन एक्स बाई एक्स रेज टू पावर पी था इंटू डी एक्स, ये क्या कर रहा था, कन्वर्ज। क्या है, ये कर रहा था कन्वर्ज, और कन्वर्ज कब कर रहा था, जब p ग्रेटर देन 2 हो रहा था, और p जो है लेस देन इक्वल्स टू 2 पे ये क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था। सॉरी, यहाँ पे जब p लेस देन 2 था तब कन्वर्ज कर रहा था। क्या है, p जो है लेस देन 2 था तब कन्वर्ज कर रहा था, और जब ये p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था तब ये क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 to π/2 है और यहाँ पे क्या है, 0 to 1 है। ठीक है, इसको हम सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। इसको सेपरेट फॉर्म में यदि हम करें तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स और यहाँ पे एक्स की पावर 1/2, क्योंकि सिंपलीफाई करेंगे 1 + 1/2 दैट मीन्स 3/2। इसको हम यहाँ पे डी एक्स कर देते हैं और यहाँ पे एफ एक्स को हम लेट कर लेते हैं, क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2, और जो जी एक्स फंक्शन है इसको हम लेट कर लेते हैं 1/x^(1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको प्रॉब्लम किससे है, लोअर लिमिट से, लोअर एंड पॉइंट से, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट की फॉर्म लगा रहे हैं। लिमिट की फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 और ये एक्स की पावर 1/2 प्रोडक्ट में हो जाएगा ऊपर जाके, और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और x टेंस टू 0 तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, और 0 पुट करने से ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद ऊपर का अलग से डिफ्रेंसिएशन, नीचे अलग से डिफ्रेंसिएशन, कोस एच बाई एच का करेंगे तो 1, एच टेंस टू 0 पुट करेंगे कोस 0 की वैल्यू 1, ये क्या आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर दे रहा है। क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट आंसर दे रहा है। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या करेंगे, दोनों के दोनों जो है साथ ही साथ कन्वर्ज करेंगे, तो दोनों कन्वर्ज करेंगे, और डाइवर्ज करेंगे तो दोनों के दोनों डाइवर्ज करेंगे। अब इसका नेचर हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1 1/x^(1/2) dx। इसको प्रॉब्लम किससे है, लोअर एंड पॉइंट से, तो यहाँ पे जो है ये क्या करेगा, कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1, तो यहाँ पे जो है 1/2 क्या लेस देन 1 है, बिल्कुल है, जो 0.5 है वो 1 से तो छोटा है ही, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज। जब ये करेगा कन्वर्ज तो यहाँ पे जो fx है इसको भी क्या करना होगा, कन्वर्ज।
मतलब इसका तो इंटीग्रल होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये भी क्या करेगा कन्वर्ज करेगा, क्या है कन्वर्ज ये करेगा, मतलब ये करेगा क्या कन्वर्ज करेगा। ओके ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है इंटीग्रेशन 1 to 2 रूट एक्स बाई लोग एक्स, इंटीग्रेशन 1 to 2 और जो फंक्शन है वो देखिए आपका क्या है रूट एक्स बाई लोग एक्स dx। ओके इंटीग्रेशन 1 to 2 रूट एक्स बाई लोग एक्स dx। अब यहाँ पे 1 लोग 1 करने से लोग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या मिल रहा है 0। एट द पॉइंट 1 इसको क्या है इनफाइनाइट मिनी डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है, क्या है इसको इनफाइनाइट मिनी डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है। और यहाँ पे जो fx है fx इसको हम लेट कर लेते हैं क्या रूट एक्स बाई लोग एक्स, क्या है fx को हमने जो यहाँ पे गिवन था उसको ही हमने लेट कर लिया है। और यहाँ पे जो g ऑफ x है इसको हम क्या कर लेते हैं gx को हम लेट कर लेते हैं 1 by x minus 1, क्या है 1 by x minus 1, यहाँ पे हम gx ले लेंगे। क्लियरली यहाँ पे क्या है fx by gx करने की कोशिश करेंगे, क्या है fx by gx करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे इसको प्रॉब्लम लेफ्ट एंड पॉइंट से है तो यहाँ पे हम कर देंगे लिमिट x tends to 1 plus f(x) / g(x) तो ये क्या होगा लिमिट x tends to 1 plus f(x) की वैल्यू रूट एक्स बाई लोग एक्स और ये हो जाएगा जी एक्स, ये हो जाएगा x minus 1, क्या होगा x minus 1। तो ये क्या होगा लिमिट x tends to 1 plus, ये तो हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए लेट करेंगे, ठीक है ये है और इसको लेट हमने किया है, ठीक है लिमिट x tends to 1 plus x^(1+1/2) (3/2) - x^(1/2) / log x, ठीक है और यहाँ पे जो है x tends to जैसे ही 1 पुट करेंगे, क्या है x tends to जैसे ही 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 minus 1 log 1 की वैल्यू फिर से 0, मतलब इसको हम क्या कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या लिमिट x tends to 1 plus 3/2 x^(n-1) / 3/2 - 1 और ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस 1/2 x^(1/2) - 1 - 1/2 और ये हो जाएगा log x का 1/x। अब ये x जो है 1 by x है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x tends to 1 plus 3/2 or x^(1+1/2) / x^(3/2) - 1/2 x^(1 - 1/2 - 2 - 1 / 1/2 रहेगा। और x tends to 1 plus 1 x के प्लेस पे क्या है 1+h रखेंगे और h tends to 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 3/2 1+h^(3/2) - 1/2 1+h^(1/2) और h tends to जैसे 0 पुट अप करेंगे ये हो जाएगा 0
तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2, क्या है 3/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2/2, आपको मिलेगा 1, जो कि नॉन जीरो फाइनाइट आंसर दे रहा है, और हम यही लाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमने इसको ये लेट किया था। आई बात समझ में? ओके, और भी मेथड है, कुछ और भी आप लेट कर सकते हो, इनके अंदर से भी कुछ सिंप्लीफिकेशन करके कुछ अलग से भी यहाँ पे लेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने अलग से लेट कर लिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमें नॉन जीरो फाइनाइट आंसर दे रहा है। अब जी एक्स का नेचर चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको प्रॉब्लम जहाँ से है वो चीज़ें हमें चेक करना ईजी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लेट किया है। और ये हो जाएगा 0 to 2 1 by x minus 1 into dx, sorry 1 to, ठीक है। अब यहाँ पे पावर क्या है 1, और यहाँ पे ये कन्वर्ज तभी करेगा जब n इज लेस देन 1 होगा, मतलब 1 less than 1, क्या 1 less than 1 है? जी नहीं, 1 तो हमारा लेस देन 1 नहीं है, मतलब जो जी एक्स का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम बना रहे हैं वो हमारा क्या है, कन्वर्ज नहीं कर रहा। जब ये हमारा कन्वर्ज नहीं कर रहा तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा कन्वर्ज नहीं करेगा, मतलब करेगा क्या, डाइवर्ज करेगा, क्या है ये हमारा करेगा डाइवर्ज। ओके, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ओके, इस तरीके से आपको क्या है, जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं आपको सोल्व करना है, चाहे वो आपके CSIR नेट के अंदर पूछे गए हो या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हो, वो आपके पास यदि है तो उसको आपको सोल्व करना है। और जो यहाँ पे आपके पास जो भी बुक है उस बुक के अंदर से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी करना है आपको सोल्व, ठीक है। या फिर जो आपके पास नोट्स है, नोट्स के अंदर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको करना है आपको सोल्व। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।